नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसकेके अर्थ के इस खास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर बिंद क्षेत्र में स्थित रीवा जिले की हनुमना तहसील में अवस्थित पतनारी नदी का एक बहुत ही खूबसूरत व रोमांचकारी वीडियो। फ्रेंड्स, पतनारी नदी पहाड़ के ऊपर ही अपने उद्गम स्थल जिंदवा नाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर से बहकर चिरैया घाटी में लगभग 200 फीट गहरे खड्ड में गिरकर चिरैया प्रपात का निर्माण करती है। फिर नीचे बहता हुआ उसका जल बेलन की एक प्रमुख सहायक नदी गोरमा में जाके मिलता है। पथरीली चट्टानों से झरझर कल कल करता हुआ पतनारी नदी का जल वर्षा के दिनों को छोड़ बाकी के महीनों में काफ़ी साफ सुथरा व मनमोहक होता है। पतनारी नदी के मार्ग में कई ऐसे सुरम्य व रमणीक स्थल हैं जो पर्यटकों को काफ़ी लुभाते हैं। हरी भरी वनस्पतियों, ऊंची नीची व गुफादार चट्टानों के अलावा पतनारी नदी के मार्ग में कई स्थानों पर ऐसे प्रकृति प्रदत्त सीढ़ी नुमा पत्थर बिछे हुए हैं मानो वह कृत्रिम तरीके से बनाए गए हों। इन सबको देखने के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। कुछ पर्यटक तो यहाँ खाना भी बनाते व खाते हैं। पतनारी नदी के मार्ग में उपस्थित ऊंची ऊंची अरियों में कई जगह साफ सुथरे जल के स्रोत हैं जिनसे 12 महीने पानी निकला करता है। लोग ऐसे ही जल स्रोतों के पास भोजन बनाते व खाते हैं। वैसे तो पतनारी नदी में वर्षा के समय काफ़ी जल रहता है, पर उस समय वहां जाना ठीक नहीं रहता क्योंकि वर्षा के मौसम में मार्ग में पड़ने वाला जंगल काफ़ी सघन हो जाता है जिससे लोगों को चलने में काफ़ी असुविधा होती है। अतः वहां ठंड के मौसम में जाना अति उत्तम होगा क्योंकि उस समय मार्ग में चलना न सिर्फ आसान होगा बल्कि ठंड के दिनों में बैर बरारी जैसे स्वादिष्ट फल भी खाने को मिल सकते हैं।
थोड़े ना है, नदी है इतना ऊपर पानी गिरा, जब उंगले से गिरा सब होते मिल जाता आदमी। वो वाला छोट वाला सही कोई पति बात नहीं। पानी